स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नए क्लास में देखेंगे कि मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे थे, तो कल तक हम दो ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल पाए थे। तीन ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग सीखे थे, लेकिन उस पर कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ था। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं। सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करते थे वही स्टेप यहाँ भी फॉलो करेंगे। ए बराबर आई ए, ए के जगह पे आपका आ गया 2 माइनस 3 3, 2 2 3, 3 माइनस 2 2, ये आपका आ गया। आई के जगह पे क्या हो जाएगा 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1, और इस ए को जस का तस रखिए। इतनी बात तो समझ में आ रही हो। अब सबसे पहला काम इसको क्या बनाना है सर, 1 बनाना है। तो अप्लाइंग ऑपरेशन सबसे पहला ऑपरेशन अप्लाई कीजिए R1 में, क्या सर R3 माइनस R1 कर लीजिए, R3 माइनस R1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 में 2 गया कितना 1, माइनस 2 में माइनस 3 चला गया तो 1, 2 में 3 चला गया तो माइनस 1, बाकी नीचे वाला जस का तस रह जाएगा 2 2 3, 3 माइनस 2 2 हो जाएगा। अब चलो भाई 1 0 0 है, 0 1 0 है, 0 0 1 है, R3 में R1 घटाना है, 0 में 1 घटेगा कितना माइनस 1, फिर 0 में 0 घटेगा तो 0, 1 में 0 घटेगा तो 1, आ जाओ ये आपका 0 हो गया 1 0, इसको जस का तस रख दो, इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आइए ये आ गया, अब क्या करोगे? अब सर दूसरा स्टेप होता है हमारा कि इसको 0 बनाना है, इसको तो चलिए यहां हम देखते हैं अप्लाइंग ऑपरेशन कितना सर R2 में क्या लिखना है सर, देखो इसको जीरो बनाना है ना जी, अगर सर इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा दे तो 0 हो जाएगा, तो R2 में 2R1 घटा दीजिए सर, R2 में 2R1। और तीसरा बात क्या करना है बुआ बोलो, इसको भी तो 0 बनाना है, तो एक काम करते हैं तो R3 में क्या करते हैं, R3 में घटा देंगे R3 माइनस 3R1 कर दो आ जाएगा सर। अब देखो ये आपका क्या हो गया, या आपका ऊपर में तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, 1 1 माइनस 1, 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 गुना 1, 2 माइनस 2 0 हो गया, फिर सर 2 माइनस 2 गुना 1 होगा ना 0 हो गया ये भी, फिर 3 माइनस 2 गुना माइनस 1 तो 5 हो जाएगा। चलिए अब फिर R3 में हमने लगाया है R3 माइनस 3R1, R3 में घटाना है 3R1, यानी R1 के एलिमेंट में 3 से गुना करके इसमें घटा दीजिए, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो गया, फिर माइनस 2 में घटा दीजिए 3 गुना 1 तो माइनस 5 हो जाएगा, फिर 2 में घटा दीजिए 3 गुना माइनस 1 तो 2 प्लस 3 5 हो गया। चलो भाई ये आपका आ गया माइनस 101, R1 में तो आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसे R1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 010 है सर। अब R2 में घटा दीजिए 2R1, 0 में घटा देंगे 2 गुना माइनस 1 तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, आ जाओ फिर 1 में घटा दीजिए 2 गुना 0 तो चलिए 1 हो गया, फिर 0 में घटा दीजिए 2 गुना 1 तो माइनस 2 हो गया सर। अब चलिए R3 में कौन सा ऑपरेशन लगाए हैं, R3 माइनस 3R1, चलो R3 माइनस 3R1, R3 के जगह पे 3 है इसमें क्या, सॉरी 3 नहीं 0 है, R3 में 0 है, 0 माइनस कितना सर 3 गुना माइनस 1, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, 0 माइनस 3 गुना 0 तो ये आपका 0 आ गया, फिर 1 माइनस 3 गुना 1 तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया। अब इधर ए जस का तस लिख लीजिए। चलो भाई अब अप्लाइंग ऑपरेशन फिर से ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। अब सर इधर वाला काम हो गया, अब क्या करते हैं ऐसे सीधा आए फिर इधर चले गए, चलिए तो 0, अब इसको 1 बनाना है, इस 0 को क्या बना देना है सर 1, तो चलिए क्या करोगे एक काम करते हैं R2 में, और इस तरह से करना है इसको 1 बनाना है कि ये जो आपका बना हुआ है ये बिगड़े नहीं, ठीक इसे इसको नहीं बिगड़ने देना, ये अगर बिगड़ा तो फिर दिक्कत होगी, तब तो हम जो बना करके आए थे पीछे वो ढह गया, फिर आगे बनाने से क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं। चलिए तो R2 में लगा दीजिए क्या, R2 में लगा देंगे सर R2 माइनस 1/5 R3
आर टू माइनस कितना कर देंगे 1/5 आर थ्री। क्यों सर? क्योंकि 1/5 गुना माइनस फाइव करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 0 + 1 आपका 1 हो जाएगा आराम से। देखो देखो समझ में आया होगा, 1 1 माइनस 1। अब आर टू में सर जीरो में जीरो को 1/5 से गुना करके घटा दीजिए, जीरो ये ना होगा। फिर सर जीरो में घटाइए 1/5 गुना माइनस 5, जीरो माइनस माइनस 1 तो प्लस 1। 5 में घटाइए 1/5 गुना 5 तो 5 में घटा तो 4 हो जाएगा सर। अब नीचे जस का तस, 0 - 5 और 5, यहां आपका कितना हो गया सर -1 0 1 जस का तस, और 3 0 - 2 जस का तस। आइए अब बीच वाला को ही चेंज करना है, तो सर 2 में घटाइए कितना 1/5 गुना 3, 2 में घटाएंगे 1/5 गुना 3 यानी 3/5 घटाएंगे तो 2 - 3/5 कितना होता है 2/5 हो जाता है सर। आइए फिर सर 1 में घटाना है कितना 1/5 गुना 0 तो 1 के न रह जाएगा, -2 में घटाना है कितना 1/5 गुना -2, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा 2/5 तो 5 × 2 = 10, 10 में 2 = 8 -8/5 हो गया। चलिए अप्लाइंग ऑपरेशन फिर से ऑपरेशन अप्लाई करो बाबू, अप्लाइंग ऑपरेशन। आइए अब क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें सर आपका? सर यहां से यहां चले सर, यहां तक तो पहुंच गए हैं, अब नीचे आइए नीचे, यानी इस दोनों को जीरो बनाना है, इस दोनों को क्या बनाना है जीरो। तो क्या करोगे भाई मेरे, तो इसको जीरो कैसे बनाया जाएगा, आर थ्री अप्लाइंग ऑपरेशन आर थ्री में लगा दो, क्या लगाओगे बोलो तो, आर थ्री जोड़ 5 R2 कर दें। यस सर, आर थ्री जोड़ 5 R2 अगर कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। चलिए क्या करोगे, यहाँ 1 1 - 1 0 1 4, R1 और R2 के साथ तो कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है, ये आपका जीरो हो गया। अब बता दो R3 में R3 + 5 R2 था तो 0 में 5 × 0 किए तो 0 ही हो गया सर। आइए -5 + 5 × 1 तो ये 0 हो जाएगा, 5 + 5 × 4 कितना होता है 25, 5 + 5 × 4 कितना हो जाएगा 25 बराबर सर। फिर यहां भी R1 और R2 को जस का तस रख दो, 2/5 1 - 8/5। अब ये आपका कितना, हाँ 3 + 5 × 10/5, 3 + 10/5 करेंगे यही ना जी, 3 + 10/5 ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 × 10 = 25 कितना आ गया 5 आ गया। फिर 0 0 + 5 × 1, 0 + 5 कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। आइए फिर -2 + 5 × 8/5 तो 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा सर, चलिए 5 5 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 5 5 जब कैंसिल हो जाए तो -2 - 8 कितना हो गया -10 आ जाएगी, ये आपका कितना आ गया सर आ गया A। चलिए अब सर हम यहां से यहां तक आए थे, यहां पहुंच गए फिर यहां पहुंच गए, अब इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो कैसे बनाओगे, चलिए सर इसको जीरो बनाना है तो अप्लाइंग ऑपरेशन ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, ऊपर चलते हैं नीचे आपको नहीं दिखेगा, अगर आप लोग ये लिख लिए हैं तो इसको मिटाते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप यहां तक नोट कर सकते हैं, यहां तक अप्लाइंग ऑपरेशन। अब देखिए फिर से ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, अब की बार क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, इसको सॉरी जीरो नहीं वन, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल 1 1 ये भी 1 होता है, तो सिंपल है सर 1/25 से क्या कर दो R3 को गुना कर दो। चलिए सर अप्लाइंग ऑपरेशन R3 में क्या लगा देंगे 1/25 R3, और कुछ हो सकता है क्या, इसको जीरो बनाना है सर, इसको क्या बनाना है जीरो, तो लगा दो ना R2 में भी लगा दो साथ ही साथ ताकि छोटा हो जाए सवाल, R2 में क्या लगा दोगे सर, R2 में लगा देते हैं R2 + 4R1, तो 4 प्लस जब 4 × -1 हो तो जीरो हो जाएगा। चलिए ये दोनों ऑपरेशन हमने एक साथ लगाया, चलिए तो अब क्या हो जाएगा आपका,
इस आर वन में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा। चलिए इसको जस का तस लिख दीजिए, वन वन माइनस वन, थोड़ा छोटा लिखते हैं, वन वन माइनस वन आ गया। अब फिर आर टू में क्या लगा है सर, आर टू प्लस फोर आर वन, आर टू प्लस फोर आर वन। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर टू प्लस फोर आर वन, तो जीरो प्लस चार गुना एक कितना हो जाएगा, रुक जाइए अभी आर टू में नहीं लगाना है, एक काम करते हैं आर थ्री में पहले लगा दीजिए, वन वन माइनस वन हो गया सर, यहाँ जीरो वन फोर हो गया। अब वन बटे पच्चीस से क्या करना है, आर थ्री के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना, ये जीरो जीरो से गुना करेंगे वन बटे पच्चीस को, तो जीरो ही हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। चलिए जीरो जीरो वन आ गया बराबर सर, इधर भी कर लीजिए माइनस वन जीरो वन, टू बटे फाइव वन माइनस एट बाय फाइव। अब चलो यहां सर क्या करोगे, तो सर आपने क्या लगाया है, एक बटे पच्चीस से गुना करना है, तो पांच पचे पच्चीस होता है एक बटे पांच, फिर पांच पचे पच्चीस होता है एक बटे पांच, और माइनस दस बटे पच्चीस हो जाएगा तो माइनस दो बटे पांच हो जाएगा। चलो भाई ये आपका ए आ गया। अब चलो अप्लाइंग ऑपरेशन, फिर से ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं हम, अप्लाइंग ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे सर, अब की बार क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, इसको क्या करना है, जीरो बनाना है। तो एक काम करो आर टू में लगा दो सर, आर टू माइनस फोर आर थ्री, फोर आर थ्री। अब देखो क्या हो जाएगा सर, ऊपर वाला तो जस का तस, बीच वाला बदलेगा सर, आर टू में जीरो में घटाना है चार गुना जीरो, तो जीरो ही ना रहेगा, एक में घटाना है चार गुना जीरो, तो एक ही रह जाएगा सर, एक में घटाना है चार गुना जीरो, एक ही रह जाएगा, चार में घटाना है चार गुना एक, तो जीरो हो गया। अब देखो जीरो जीरो वन हो गया सर यहाँ, अब फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ माइनस वन जीरो वन टू बटे, हाँ इसको तो बदलना है, तो आर टू में घटाइए फोर आर थ्री, तो टू बटे फाइव में घट जाएगा चार बटे फाइव, तो ये तो माइनस दो बटे फाइव हो जाएगा। चलिए एक बटे पांच में, एक में घट जाएगा चार बटे पांच, तो ये कितना हो जाएगा, एक में घटेगा चार बटे पांच, तो एक बटे पांच हो जाएगा। आइए सर फिर माइनस एट बाय फाइव में, चार दूनी एट बाय फाइव, माइनस एट बाय फाइव चला गया, तो ये तो जीरो हो गया सर, माइनस एट बाय फाइव में माइनस एट बाय फाइव घट जाएगा तो जीरो। अब बताओ ये आपका वन बाय फाइव हो गया, ये जस का तस रहेगा, इसमें तो कहीं कोई चेंजिंग नहीं लाया है, माइनस टू बाय फाइव हो गया। चलो यहाँ ए है तो ए रहने दो। अब अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन क्या करोगे सर, अब क्या करना है, अब इसको इस दोनों को जीरो बनाना है, इस दोनों को जीरो बनाना है। तो एक काम करते हैं, आर वन में क्या कर देंगे, पहले इसको जीरो बनाना है, आर वन में क्या करते हैं, आर वन और प्लस आर थ्री लिख देते हैं, ठीक। चलो आ जाएगा सर, अब वन वन प्लस जीरो कितना वन, फिर वन प्लस जीरो कितना वन, माइनस वन प्लस वन कितना हो गया, जीरो हो गया। अब नीचे तो जस का तस, नीचे दस जस का दस, नीचे तो कोई ऑपरेशन नहीं यूज किया है, बराबर सर बराबर बराबर, माइनस वन जोर वन बटे पांच कितना हो जाएगा, माइनस वन जोर वन बटे पांच माइनस चार बटे पांच हो जाएगा। अब फिर जीरो जोर एक बटे पांच कितना हो जाएगा, एक बटे पांच हो जाएगा, फिर एक जोड़ माइनस दो बटे पांच तो तीन बटे पांच हो जाएगा सर, नीचे दस का दस, माइनस टू बाय फाइव वन बाय फाइव जीरो वन बाय फाइव वन बाय फाइव और माइनस टू बाय फाइव। अब देखो लास्ट स्टेप, देखो कैसे हो, लास्ट स्टेप इस सवाल का, इसको मिटाते हैं और ऑपरेशन बताओ तो क्या लगाएंगे, बताओ ऑपरेशन, जरा सोचो क्या करना है, इस ऑपरेशन में इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बना दीजिए, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन, जरा बोलो क्या लगाओगे आर वन में, तो सर इसको बनाना है जीरो, इसको इसको जीरो बनाना, तो आर वन में घटा दीजिए आर टू, हो जाएगा सर, आर वन माइनस कितना आर टू, हो गया आपका वन, वन माइनस वन कितना जीरो, वन में जीरो गया तो वन होगा जी, वन में वन घटा जीरो, जीरो में जीरो घटा जीरो। अब नीचे वाले में तो ऑपरेशन लगा नहीं है, इसलिए जस का तस लिख दो, जीरो वन जीरो 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 वन,
चलिए ये बराबर आ गया सर, कितना माइनस फोर बाय फाइव में घटा दो, सॉरी जोड़ना है घटाना है, माइनस दो बटे फाइव, ये तो हो जाएगा सर माइनस दो बटे फाइव आ गया आपका, माइनस दो बाय फाइव। एक बटे पांच में घटाना है कितना सर, एक बटे पांच में घटाना है एक बटे पांच, तो ये तो जीरो आ गया, ये तो आपका जीरो। तीन बटे पांच में घटाना है जीरो, तो ये तो तीन बटे पांच ही आएगा सर, तीन बटे पांच। उसके बाद जस का तस उतार दीजिए तो माइनस टू बाय फाइव, वन बाय फाइव जीरो आ गया, फिर वन बाय फाइव आ गया, फिर वन बाय फाइव आ गया, माइनस थ्री बाय फाइव आ गया, टू बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव, माइनस टू बाय फाइव आ गया, ये आपका ए है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया, ये जो है सर ये आई आ गया, बी ए बराबर आई हो तो इस बी को ए का क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, ए का इनवर्स। वीडियो पॉज कर करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए, ठीक। चलिए ए इनवर्स आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स अब क्या आ गया सर, ये वाला वैल्यू कितना, माइनस टू बाय फाइव जीरो, थ्री बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव, वन बाय फाइव जीरो, वन बाय फाइव, वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे इस तरह से ऑर्डर थ्री का एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालते हैं। थोड़ा ये बात सही है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा लेंदी है, लेकिन घबराना नहीं है, अगर नहीं घबराओगे तो बन जाएगा, ठीक। तो अभी भी इसमें जो हम बनाए हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपका प्रोसेस यही रहेगा, तो आपको प्रोसेस समझना है, इसी प्रोसेस से बनाना है, और जब आप बार बार बनाओगे तो एक्यूरेसी आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज ये थोड़ा लंबा सवाल था, तो आज के क्लास में मैं इतना ही रहने दूंगा, ठीक। और फिर आगे दो सवाल और है शायद, हाँ 15 मैंने बताया, 16 17 है मात्र, दो सवाल और है, आप उसको इसी तरह से बनाइए ऑपरेशन का सही से यूज करके। बस फोकस आपको यही करना होता है कि इधर वाले मैट्रिक्स को ए बराबर आई ए जो लेते हैं आप, तो इस ए को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना होता है, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने में आप सफल हो गए, बस इनवर्स निकल गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो आप इसको आगे बनाइए, आगे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में जैसे 18 नंबर है, एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। आप भी एज था भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, कब, ये तो थ्योरम बताया, ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हो गया आपका 18 नंबर हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही, फिलहाल आप लोग पूरे मन लगा करके पढ़िए, कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग इसी समय 8:30 बजे। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। अगले क्लास में हम लोग मिसलेनियस चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, विविध।